नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विथ प्रोफेसर सागर। तो अगर आपको बायोलॉजी बहुत सिंपल वे से लर्न करना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लीकेशन। ये टॉपिक थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन आप जैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब क्या है? डबलिंग, मतलब जब भी एक डीएनए दूसरा डीएनए का कॉपी फॉर्म करेगा उसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अभी क्या होता है, ये डीएनए इज अ मेन बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल, और ये डीएनए क्या करता है, सेल का ऑलमोस्ट सब एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो जब भी सेल डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा, एक सेल का दो सेल फॉर्म होगा या फिर चार सेल फॉर्म होगा, डिपेंड। माइटोसिस में दो सेल फॉर्म होता है, मियोसिस में चार सेल फॉर्म होगा। तो जब भी सेल का डिवीजन होगा तभी ये डीएनए का डबल होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा, जो डॉटर सेल्स है उसको इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दे सकेगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन है कभी होगा, जब भी सेल डिवीजन होगा उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ओके, तो हम लोगों ने सेल साइकिल किया था, आपको याद आ रहा है? सेल साइकिल में दो फेजेस है, एक है इंटरफेज और दूसरा है डिवाइडिंग फेज। तो इंटरफेज का G1 फेज, S1 फेज एंड S2 फेज था। तो उसका S1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो हमेशा याद रखो, डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज ऑफ द इंटरफेज, और ये इंटरफेज किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल साइकिल। तो याद रखो, सेल साइकिल का दो पार्ट है, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज का तीन टाइप है, G1, S एंड G2 फेज, और ये S फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए को दो इम्पोर्टेंट काम करना है। पहला है ऑटो कैटेलिटिक फंक्शन। ऑटो मतलब सेल्फ ना, हमेशा याद रखो। सेल्फ कैटेलिटिक मतलब खुद का मॉलिक्यूल खुद फॉर्म करना है उसको। सो क्या लिखा है देखो डेफिनेशन में, व्हेन द डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इटसेल्फ। जब भी एक डीएनए दूसरा डीएनए फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं ऑटो कैटेलिटिक फंक्शन। एग्जाम्पल है रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल कॉपीज है, ये ओरिजिनल है। ओके, ओरिजिनल डीएनए, ये जब भी रेप्लिकेशन करेगा तो दो कॉपीज बनेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटेलिटिक फंक्शन। जब भी डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, मतलब डीएनए टू डीएनए, तो उसको क्या बोलेगा? ऑटो कैटेलिटिक फंक्शन। सेकेंड है हिट्रो कैटेलिटिक फंक्शन। हिट्रो कैटेलिटिक फंक्शन में क्या होता है, ये डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा, कुछ इट इज गोइंग टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल। मतलब ये डीएनए से डीएनए नहीं बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये डीएनए से बनाएगा आरएनए। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये डीएनए है, ये डीएनए इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आपको क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन विल अंडरगो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। यस और नो? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए इज गोइंग टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल अदर देन द डीएनए। मतलब एक डीएनए है वो दूसरा डीएनए नहीं बनाएगा, उसके अलावा वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है आरएनए एंड प्रोटीन। तो उसको बोलते हैं हिट्रो कैटेलिटिक फंक्शन। क्या डेफिनेशन है देखो, व्हेन द डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, मतलब खुद के अलावा अगर दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं हेट्रो कैटेलिटिक फंक्शन। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल है, रेप्लिकेशन कहां पे होगा, मैंने बोला एस फेज ऑफ द इंटरफेज। ओके, इंटरफेज इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। और डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी मतलब हाफ, हाफ स्ट्रैंड रिमेन कंजर्व। आपको पता है ना डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, इधर भी देखो दो स्ट्रैंड है, उसमें से हाफ स्ट्रैंड देखो वो ओरिजिनल रहेगा एंड हाफ स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज। तो उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है वो अभी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पे देखो जो पहला स्टेप है, ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन में पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी आपको पता है न्यूक्लियोटाइड बना है तीन पार्ट से। ओके, तो पहला अपने पास यहाँ पे है पेंटो शुगर। तो यहाँ पे देखो ये है पेंटो शुगर है। ओके, ये पेंटो शुगर का अगर आपने देखा, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम आउटसाइड है।
हमेशा याद रखो टू द फर्स्ट कार्बन एटम नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, टू द फिफ्थ कार्बन एटम फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है, सो ये है मोनोफॉस्फेट। क्या है ये? मोनोफॉस्फेट है। ओके अभी ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, ओके सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जिससे डीएनए बनने वाला है ये मोनोफॉस्फेट में है। अभी उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे करेंगे? वो यूटिलाइज करेगा एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये है राइबो न्यूक्लियोसाइड, याद रखो। ओके अभी ये एटीपी से वो क्या करेगा? दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेगा। तो जो यहाँ पे डी एएमपी है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है, वो हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट में। देखो डी एटीपी हो रहा है, ओके और यहाँ पे एएमपी बन जाएगा, एएमपी फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे देखो डीएमपी, डीसीएमपी, डीजीएमपी, डीटीएमपी, ये सब क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में, कन्वर्ट हो रहे हैं। ट्राइफॉस्फेट मतलब जरा थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ओके दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? डी एटीपी, सी एटीपी, डी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ओके देन देर इज डी जीटीपी, डी टीटीपी और आपको एएमपी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा? यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, ये एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज क्या करता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप विल बी एडेड। ओके तो जितने भी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, वहां पे दो फॉस्फेट ग्रुप एड हो जाएंगे और आपको क्या मिलेंगे? सब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे देखो ये है ग्रोइंग चेन है, तो यहाँ पे देखो ये प्रिकर्सर आया, प्रिकर्सर कैसा है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, दिख रहा है ये ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे ये ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे देखो अगर आपने देखा यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कैन यू सी दिस? और ये जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये दो फॉस्फेट निकल गए, बराबर की? अभी आप सोचते रहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मोनोफॉस्फेट भी यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज जब भी फॉस्फेट ब्रेक हो जाएगा तो एनर्जी मिलेगा और ये एनर्जी यूटिलाइज होगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इसके वजह से वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना जरूरी है। ओके तो ये हुआ अपना पहला स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा स्टेप देखो क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इनिशिएशन प्रोसेस। ओके तो डीएनए रेप्लिकेशन किधर भी स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो पॉइंट पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओ आर आई ऐसे भी बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ओरिजिन इन सिंपल वर्ड। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके और जहां पे रेप्लिकेशन एंड होगा, सपोज यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पार्ट। ओके और टर्मिनेट एट द पॉइंट टी, देखो यहाँ पे बोलेंगे ओ, जहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, उसको बोलते हैं टी। तो जो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन है, ओके और यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन अकर, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकॉन। तो ये देखो ये हुआ एक रेप्लिकॉन, ये हुआ दूसरा रेप्लिकॉन, ये हुआ तीसरा रेप्लिकॉन, ये हुआ चौथा रेप्लिकॉन। तो ये रेप्लिकॉन मतलब क्या है? जहां पे रेप्लिकेशन होगा वो पूरे यूनिट को क्या बोलना है अपने को? रेप्लिकॉन बोलना है। तो आपको पता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सिंपल है, सर्कुलर है, तो यहाँ पे एक ही रेप्लिकॉन है। देखो यहाँ पे एक ही रेप्लिकॉन है, दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक का डीएनए बहुत बड़ा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, ओके तो उसके पास क्या रहेंगे? बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तीसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो उसके पास बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी हुआ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसमें दिखेंगे? यूकैरियोट में दिखेंगे। तब भी क्या होगा? यूकैरियोट का रेप्लिकेशन फास्टर होगा। अगर एक ही होगा तो स्लो होगा ऑब्वियसली। तो क्या है, अगर आपने देखा प्रोकैरियोट में देयर इज ओनली वन रेप्लिकॉन, लेकिन यूकैरियोट में देयर आर मेनी रेप्लिकॉन बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंपैरेटिवली बिगर डीएनए मॉलिक्यूल, बराबर है कि नहीं? तो ये हुआ अपना सेकेंड स्टेप, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इनिशिएशन प्रोसेस। अभी हम लोग जाएंगे थर्ड स्टेप। स्टेप देखो क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड।
तो यहाँ पे देखो ये डीएनए कैसा है, कॉइल्ड है, देर आर टू स्ट्रैंड विच इज कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, बराबर। तो ये कॉइल्ड है, उसकी ये दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में देर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पे बिटवीन ए एंड टी देर आर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन जी एंड सी देर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन ए एंड टी देर आर वॉट टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर डीएनए स्ट्रैंड को अगर आपको सेपरेट करना है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ओके तो देखो एंजाइम हेलिकेज है, दिख रहा है आपको येलो कलर का, यहाँ पे मैंने एंजाइम दिखाया है। ये हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज काम करेगा ओरिजिन, तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है, यहाँ पे आएगा हेलिकेज, ये हेलिकेज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हेलिक्स ओपन हो रहा है, देखो यहाँ पे हेलिक्स ओपन हुआ कि नहीं, तो उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स। तो जैसे ये हेलिक्स ओपन होगा तो अगर आपने देखा ये हेलिक्स कैसे देखेगा, इट इज इनवर्टेड वाई शेप, देखो ऐसे वाई शेप दिख रहा है, यस और नो, यहाँ पे भी देखो ये ऐसे वाई शेप दिख रहा है, ओके और यहाँ पे ये डिरेक्शन में देखेंगे तो ऐसे वाई शेप दिखेगा, बराबर। तो उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन फोर्क, क्या बोलने का उसको, यहाँ पे देखो लिखा है रेप्लीकेशन फोर्क, राइट। तो हर एक स्ट्रैंड है, मतलब ये स्ट्रैंड को बोलने का टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके इधर भी देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जो स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ओके जो स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या बोलने का उसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जिसके ऊपर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो देखो क्या लिखा है, एंजाइम हेलिकेज ऑपरेट्स बाय ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हेलिकेज क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये येलो कलर का जो हेलिकेज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अनवाइंडिंग होगा, अनवाइंडिंग होने के बाद कैसे दिखेगा, वाई शेप स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन फोर्क, यहाँ पे लिखा है। और रेप्लीकेशन क्या होगा, बाय डिरेक्शनल ना, देखो यहाँ पे देखो रेप्लीकेशन इधर भी जा रहा है, बराबर, ये तरफ भी मुंह हो रहा है और ये तरफ भी मुंह हो रहा है, तो कैसे है उसको बोलते हैं बाय डिरेक्शनल। तो यहाँ पे देखो इट इज मूविंग टुवर्ड बोथ द डिरेक्शन, देखो एरो मेंशन किया यहाँ पे, बराबर कि नहीं, तो उसका मतलब क्या है, दिस रेप्लीकेशन इज मूविंग टुवर्ड बोथ द एंड। और यहाँ पे देखो कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन बबल, ओके कुछ तो बबल जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लीकेशन बबल। अभी क्या होता है, देखो एक बार ये स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए, ओके सेपरेट हो गए, फिर से चांसेस है वो नजदीक आ सकते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब फिर से ऐसे हो सकता है, मतलब एक बार ये ऐसे हुआ, देखो ये फिर से ए की तरफ हो सकता है, मतलब फिर से क्या हो सकता है, अनवाइंड हो सकता है, तो ये अनवाइंडिंग नहीं होना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो वो अनवाइंडिंग प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे देखो ब्लू कलर के कुछ प्रोटीन है, ये प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से ही पता चलता है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, बाइंड करके रखेंगे, बाइंड करके रखेंगे मतलब क्या करेंगे, ये फिर से डीएनए को रीवाइंड नहीं करने देंगे, फिर से डीएनए को कॉइल नहीं करने देंगे। तो वही रोल है एसएसबीपी, तो एसएसबीपी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो टू स्ट्रैंड सेपरेटेड स्ट्रैंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द रिकॉइलिंग, रिकॉइलिंग कौन प्रिवेंट कर रहा है, एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके एंड इट विल रिमेन अटैच टू बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड। देखो ये दोनों भी सेपरेट स्ट्रैंड में ये एसएसबीपी अटैच है, तो क्या होगा, ये एसएसबीपी अटैच है तो ये क्या होगा, देर इज नो रिकॉइलिंग, फिर से कॉइल नहीं होगा और ये स्ट्रैंड यूटिलाइज होगा फॉर डीएनए रेप्लीकेशन। तो ये हुआ अपना थर्ड स्टेप। स्टेप देखो मैंने बोला रेप्लीकेशन फोर्थ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाई शेप स्ट्रक्चर, सो ड्यू टू द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए टू स्ट्रैंड अपियर लाइक वाई शेप फोर्थ, उसको बोलते हैं रेप्लीकेटिंग और रेप्लीकेशन फोर्थ, ओके। सो अनवाइंडिंग स्ट्रैंड इम्पोज स्ट्रेन, तो यहाँ पे जैसे जैसे अनवाइंड होगा तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन समझते हैं ना, मतलब और ये ज्यादा कॉइल होता जाएगा। इमेजिन करो अगर मेरे पास दो रस्सियां है, ओके सपोज अगर ये एक रस्सी है, ओके दिस इज वन रोप, एक रस्सी है ये दूसरा रस्सी है, ओके तो जब भी मैं ये दोनों रस्सी को बीच में से अगर खोलना स्टार्ट करूंगा और यहां से सपोज मैंने बीच में से ये दोनों को खींचना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ये तरफ और ये तरफ ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट पे और ये पार्ट पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, ये पार्ट और ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा, यस और नो, ओके।
तो ये पार्ट ज्यादा कॉइल्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक एंजाइम आएगा। ये एंजाइम का नाम क्या है? सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। मतलब ये ज्यादा कॉइलिंग है, सुपर कॉइलिंग है, उसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ओके, तो ये हुआ अपना फोर्थ स्टेप, जहां पे क्या मिलता है आपको? रेप्लिकेशन फोर्क मिलेगा, और यहाँ पे एक एंजाइम है, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? ये जो एंड पे रेप्लिकेशन फोर्क के एंड के ऊपर जो स्ट्रेन आएगा, जहां पे ज्यादा सुपर कॉइलिंग होगा, तो ये सुपर कॉइलिंग क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ओके, तो ये हुआ अपना फोर्थ स्टेप। तो मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ, देखो क्या, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो हर एक स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला स्ट्रैंड, उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो दिख रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो मैं एरो मेंशन कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये भी क्या हुआ? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता जाएगा? ये देखो, यहाँ पे हेलिकेस तो काम करेगा। हेलिकेस क्या करता जाएगा? जैसे जैसे ये स्ट्रैंड आगे बढ़ेगा, तो हेलिकेस ये अनवाइंडिंग करेगा। तो यहाँ पे देखो, आरएनए प्राइमर यहाँ पे जाके अटैच करेगा। तो आरएनए प्राइमर के लिए मैं एक अलग कलर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो, ये आरएनए प्राइमर हमेशा ये 3 प्राइम पे अटैच हो जाएगा, देखो यहाँ पे। तो ये आरएनए प्राइमर क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, व्हाट इज दिस? इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आरएनए प्राइमर। ओके, आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, व्हाट इज आरएनए प्राइमर? आरएनए प्राइमर इज शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। क्या है आरएनए प्राइमर? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। तो ये आरएनए प्राइमर कंपलसरी 3 प्राइम को अटैच होगा। तो इधर भी क्या होगा? देर इज आरएनए प्राइमर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? देर इज आरएनए प्राइमर। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर के बिना डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, याद रखो। ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर जाके किधर अटैच होगा? 3 प्राइम एंड में। जैसे ही आरएनए प्राइमर अटैच हो जाएगा, तो सपोज यहाँ पे एटीजीसी है, फॉर एग्जांपल, दिस इज एटीजीसी, बराबर कि नहीं? तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन ऐड करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस, मतलब क्या है? ए इज गोइंग टू पेयर विथ टी, टी इज गोइंग टू पेयर विथ ए, जी इज गोइंग टू पेयर विथ सी, सी इज गोइंग टू पेयर विथ जी। तो ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड कर रहा है, बराबर कि नहीं? तो डीएनए पॉलीमरेज एक्ट एज डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एड। ओके, इट शुड बी एड कॉम्प्लीमेंट्री बेस बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड कर रहा है। कैसे ऐड करेगा? ऑब्वियसली ए के अगेंस्ट टी, टी के अगेंस्ट ए, जी के अगेंस्ट सी, और सी के अगेंस्ट जी, बराबर। तो ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड करेगा, और ये पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। ओके, तो पॉलीमराइजेशन के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी है, बिकॉज दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। और हमेशा याद रखो, ये डीएनए सिंथेसिस होगा वो हमेशा कौन से डिरेक्शन में होता है? 5' टू 3' डिरेक्शन, हमेशा याद रखो। क्या है? 5' टू 3'। इधर भी देखो, 5' टू 3', यस और नो? इधर भी क्या है? 5' टू 3', यस और नो? ये भी क्या है? 5' टू 3'। ओके, हमेशा याद रखो, डीएनए का सिंथेसिस होगा 5' टू 3' डिरेक्शन। तो ये हुआ अपना फिफ्थ स्टेप, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अभी ये देखो, आपको 2 स्ट्रैंड दिख रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क दिख रहा है। यहाँ पे देखो, हेलिकेस काम कर रहा है। हेलिकेस कैसे कैसे काम करेगा? जैसे जैसे स्ट्रैंड ओपन होता जाएगा, हेलिकेस क्या करेगा? उसको अनवाइंड करता जाएगा। तो यहाँ पे देखो, देर इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कौन सिंथेसाइज करेगा? एंजाइम। ये एंजाइम का नाम है प्राइमेज। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम? प्राइमेज। ये प्राइमेज एंजाइम है, और ये प्राइमेज है, ये एंजाइम क्या सिंथेसाइज करेगा? प्राइमर सिंथेसाइज करेगा। आरएनए प्राइमर क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। कहाँ पे अटैच होगा? हमेशा 3' एंड। तो यहाँ पे देखो, ये भी इसका 3' एंड रहेगा, यस और नो? ओके, तो यहाँ पे देखो, ये अटैच हो रहा है, कैन यू सी दिस? और हमेशा याद रखो, कैसे सिंथेसाइज हो रहा है? डीएनए विल बी सिंथेसाइज ऑलवेज फ्रॉम 5' टू 3' डिरेक्शन। ओके, ये हमेशा स्टेटमेंट याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज है, वो हमेशा काम करेगा 5' टू 3'। ओके, तो देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड विद 3' एंड इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। तो ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। आई विल जस्ट राइट डाउन, दिस इज नोन एज लीडिंग टेम्पलेट। क्या बोलना है इसको?
लीडिंग टेम्पलेट बोलना है, ओके, जहां पे क्या होगा है, देर इज कंटिन्यूस सिंथेसिस। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, ओके, और यहाँ पे जो सिंथेसिस होगा वो फास्टर रेट से होगा, ओके। ये जो स्ट्रैंड है, ओके, दैट इज 5' टू 3' एंड, दैट इज वन विच इज स्टार्टिंग विद 5' एंड, देखो उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग क्यों, नाम से ही पता चलता है, लैगिंग मतलब वो पीछे रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड और लैगिंग टेम्पलेट, ये है लीडिंग टेम्पलेट। तो ये क्या हुआ, लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, ये है सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, यहाँ पे है लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। ये लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है, देर इज डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। देखो छोटा छोटा फ्रैगमेंट फॉर्म हो रहा है, देख रहा है, ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट, बराबर कि नहीं। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड विद 3' एंड उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड विद 5' एंड दिस दिख रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आरएनए प्राइमर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज कंटिन्यूस सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड पे देर इज कंटिन्यूस सिंथेसिस, बराबर, तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर देर इज डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, छोटा छोटा फ्रैगमेंट हो रहा है, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है, बराबर कि नहीं। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड विद 5' एंड इज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड में स्लो सिंथेसिस होगा और छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डीएनए सिंथेसाइज होगा, अभी उसको बोलने का ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे देखो ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इसके बीच बीच में ये देखो आरएनए प्राइमर है, अभी ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करेगा, आरएनए प्राइमेज, ओके, या फिर कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ओके। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर रिमूव करेगा, बिकॉज आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए सेगमेंट है, और अपने को तो डीएनए सिंथेसाइज करना है, तो ये आरएनए की जरूरत नहीं है, तो आरएनए प्राइमर इज रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज वन और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट, ये याद रखो, यूकैरियोट में डेल्टा है, प्रोकैरियोट में डीए देर इज डीएनए पॉलीमरेज वन या फिर आरएनए प्राइमेज, ओके। तो ये रिमूव करने के बाद इसके बीच में देखो गैप आएगा, तो ये गैप फिलअप कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज वन, देखो आरएनए पॉलीमरेज वन, देखो ये येलो कलर का ये गैप फिल कर रहा है, दिख रहा है, और गैप फिल करने के बाद उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ओके। तो इस तरह से लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, ये हुआ लीडिंग टेम्पलेट, यहाँ पे देखो कैन यू सी दिस, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन करेगा, ओके। ये देखो आरएनए प्राइमर रिमूव कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, उसके बाद में जो गैप है उसको ज्वाइन कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ओके। तो ये जीआईएफ है वो देखो, फिर से प्राइमर आया, प्राइमर आने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, सिंथेसाइज किया, तो ये यहाँ पे देखो दिस इज अ लीडिंग टेम्पलेट, दिस इज द लैगिंग टेम्पलेट, याद रखो। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, जो मैंने एरो बनाया यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, एवरी टाइम प्राइमर आएगा, उसके बाद में देखो डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज में पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या हुआ, ये लाइगेज आया, ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, आरएनए प्राइमर को रिमूव किया, लाइगेज ने क्या किया, ज्वाइन किया, तो ऐसे ये डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम होता रहेगा। तो ऑन वन स्ट्रैंड देर इज कंटिन्यूस सिंथेसिस, ऑन अदर स्ट्रैंड देर इज डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो फाइनली, तो यहाँ पे देखो कैन यू सी दिस, ओरिजिनल स्ट्रैंड इज ब्लू इन कलर, न्यूली स्ट्रैंड इज क्रीम कलर्ड। तो देखो ओरिजिनल स्ट्रैंड का हाफ स्ट्रैंड विल रिमेन एज इट इज, और ये जो नया स्ट्रैंड हो रहा है वो है न्यूली सिंथेसाइज, मतलब इसके वजह से ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी मतलब हाफ, तो हाफ स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मतलब हाफ स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर का है जो पुराना है अपना, और हाफ स्ट्रैंड क्या है, नए कलर का है, आपको दिख रहा है, ये हाफ स्ट्रैंड इज ब्लू कलर ओरिजिनल स्ट्रैंड, और ये हाफ स्ट्रैंड क्या है, नए कलर का है। एंड फाइनली ये दो डीएनए स्ट्रैंड क्या करेंगे, एक दूसरे के अराउंड कॉइल करेंगे और आपको मिलेंगे दो डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल। कैन यू सी दिस, सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन। तो ऐसे मिलेगा, अनवाइंडिंग होगा,
उसके बाद में प्राइमेज आएगा, हेलिकेज काम करेगा, आरएनए प्राइमर के बाद में सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस में क्या होगा, एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा, एक स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा, एक स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट ओकाजाकी, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये डॉटर डीएनए मिलेगा। तो एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए स्ट्रैंड मिला और इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो बैक्टीरिया में जो होता है, जो बैक्टीरिया में आपको एक मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखता है उसको बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन। देखो कैसे होता है, मैकेनिज्म ऐसे ही है, डीएनए तो यहाँ पे देखो ऐसे रेप्लिकेशन होगा। अगर आपने देखा इनिशियल पार्ट में जब भी ये रेप्लिकेशन होगा, ओके, तो रेप्लिकेशन में अगर आपने देखा ये जो पार्ट है ना, दिस स्ट्रैंड आर गोइंग टू ओपन लाइक दिस, तो ये स्ट्रैंड ऐसे ओपन होगा, बराबर कि नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रेप्लिकेशन बबल मिलेगा। तो ये कैसे दिखेगा, इट इज गोइंग टू अपियर लाइक अ सिंबॉल कॉल्ड एज थीटा। आपको पता है ना ये थीटा का सिंबॉल है, बराबर कि नहीं। तो ये थीटा का सिंबॉल जैसे दिखता है उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो प्रोकैरियोट में जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखेगा उसको क्या बोलने का, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जीआईएफ से समझ से देखो, थीटा का सिंबॉल फॉर्म हो रहा है और ये थीटा का सिंबॉल जैसे फॉर्म होगा वैसे क्या दिखेगा, ये डीएनए रेप्लिकेट होता जाएगा। तो ये मॉडल जो है उसको बोलते हैं थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये हुआ अपना रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत डायग्राम और डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप बाद में टेक्स्ट बुक भी रिफर कर सकते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट वे दैट आई कैन यूज। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।